आप लोग देख रहे हैं गेम शो ऐसे चलेगा। मैं हूं मथीरा और यह है फहीम और ये बताएंगे आज हमें क्या। नाज़रीन आज प्राइजेस की बारिश होने वाली है, बम्पर प्राइज आपको भी रिवील नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा और बहुत ही बड़ा बम्पर प्राइज आज हमारे पास है आपको देने के लिए। उसके साथ साथ मोबाइल फोन, ज्वेलरी सेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बहुत कुछ, बस एक वक्फे के बाद। हेलो एंड सलाम अलैकुम टू यू ऑल। आप लोग देख रहे हैं गेम शो ऐसे चलेगा कार्ड। फहीम क्या हाल है? मथीरा बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि भारी भारी बारिशें हो रही है इनामों की। बिल्कुल हो रही हैं और आज भी होंगी। और इनामात की बरसात करने से पहले आपको ये बता चले नाजरीन के जिन लोगों ने अभी तक बोल वाला कार्ड नहीं खरीदा है फौरन खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है बोल वाला कार्ड तीन तरह की रकूम में, एक 100 रुपए वाला, एक 500 वाला और एक 1000 वाला। इन तीनों कार्ड्स को आप खरीदिए और हमारे वीकेंड पे जो गेम शो होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको मिलेगा। साथ साथ थ्रू आउट द वीक हम यहाँ हैं आप पर इनामात की बारिश करने के लिए। ये भी बता दो कि हम भी होते वीकेंड पर, हमें भी देखने का मौका मिलेगा। हाँ होते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार मैं वीकेंड मनाने के लिए कहीं चला जाऊँ। क्या जी मर जाएंगे आप हार्ट अटैक से? शुक्र नहीं, इस वजह से मैंने वीकेंड मेंशन नहीं किया। बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, देखते हैं एक प्रोमो, लेकिन वो नहीं देख सकते क्योंकि उसमें तस्वीरें कुछ ऐसे लोगों की हैं जो अब हम में नहीं है। बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम का शुरू कहां से? ये बातें करने से मैं नाच लूंगी, जब तक इसकी ये बातें खत्म होंगी ना मेरा नाचना, फिर मेरी बातें खत्म हो गई हैं। प्लीज आप अपना नाचना बंद कर दीजिए। बताओ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अभी नहीं, लेकिन बम्पर प्राइज के लिए तीन नामों को जो है वो मथीरा सिलेक्ट करेंगी और मेरा कोई सही नहीं होता। प्लीज ठीक है, ये सब हो जाता है। आइए स्टॉप, इतने सारे नंबर्स, 3 2 1 कुछ नहीं, डायरेक्ट स्टॉप। नहीं मैं ही पढ़ी नहीं रहा, प्लीज नहीं प्लीज। 1 5 3 3 4 6 7 4 5 8 ये हमारे पहले शॉर्ट लिस्टेड विनर, सो कॉल्ड विनर, क्योंकि इन तीन में से कोई एक आज का बम्पर प्राइज जीतने वाला है। दूसरा अब फहीम तुम बोलो ना। हाँ जी बिल्कुल मैं बोलता हूँ। कुछ तो बोलो मेरी जान। मैं बिल्कुल बोलता हूँ बाजी जी, मैं क्लियर करता जा रहा हूँ ना, बेगम भी देख रही है। भाई जान हो ना। हाँ मैं इसीलिए मैं क्या क्लियर करते जाओ, घर जाके पिटाई। ओके उसको तो रोको यार। ओ प्लीज स्टॉप, हम अपनी बातों में लगे यार, आप रुक ही नहीं रहे भाई साहब, इतने टल्ली व्हील चल रहे हैं आप। 1 1 मैं पढ़ी नहीं आई। नहीं 1 1 8 4 0 4 7 5 4 1 ओके क्या तीसरा? क्या बात है? तीसरा जी आपकी बारी। 1 2 3 स्टॉप। He's just not listening. Oh no, it's stop. He's listening. आप बताएं ना। हाँ बताएं। Okay. 1 3 9 0 1 1 1 2 7 मुबारक हो। 1 3 9 1 0 1 1 1 2 7 असल में वो ग्लासेस नहीं लगाए हुए ना अभी और कॉन्टैक्ट जो है फैशन वाले तो पता नहीं चला होगा। बहरहाल इन कॉलर से बात करेंगे, आइए पहले कॉलर को कॉल मिलाइएगा। लाइन पर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? शाहरुख बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? शाहरुख जी, शाहरुख बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। शाहरुख साहब आप इस्लामाबाद पहुँच गए? कब निकले मुंबई से भाई? सर मैं क्या हो रहा है आजकल कोडू उडू बन के भी फिल्म नहीं चल रही है, क्या कर रहे हो शाहरुख भाई? सर वो तो फ्लॉप हो गई सर, शाहरुख खान की। ऐसा ना करें शाहरुख भाई, ऐसा ना करें। मथीरा शाहरुख से आप बात करें, आप तो फहीम भाई, आप मथीरा आप लोग कैसे हैं? दोनों अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त। फहीम के नाम पहले लिया मुझे दुख हुआ। हाँ आप मथीरा कैसे हैं? उन्हें दुख इस बात का हुआ आपने फहीम भाई का और मथीरा बाजी नहीं का। नहीं उन्हें दुख हो गया। बहरहाल शाहरुख साहब क्या करते हैं आप फिल्मों के अलावा इस्लामाबाद में? जी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, आई एम शिफ्ट मैनेजर। अरे शिफ्ट मैनेजर हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है भाई, और वो भी प्राइवेट कंपनी में। कितनी प्राइवेट है, मतलब आप लोगों को तो पता है ना कि कंपनी है या ज्यादा कुछ प्राइवेट है? इस्लामाबाद में आप कहाँ रहते हैं, कौन से इलाके में रहते हैं, कुछ बताना पसंद करेंगे? F7 में रहता हूँ। F7 में रहते हैं जी। वहाँ तो बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं? नहीं नहीं सर वो तो वो है, लेकिन वो दूसरी साइड पे। अच्छा दूसरी साइड में। चलें आपने बोल वाला कहा था, कौन सा वाला?
जी मैंने 1000 वाला कार्ड खरीदा था। ओके, देयर आर चांसेस में से एक चांस आपका, एक चांस आपका यहाँ पर लग चुका है, आपका नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है। मतीरा बताइएगा कि किस लिए शॉर्टलिस्ट किया हमने आपको, पता है आप क्या जीतने वाले हो? कोई ऐसी जिंदगी में कोई ख्वाहिश कुछ तो होगा? मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैं उबर यूज करता हूँ और बाइक यूज करता हूँ, करीब यूज करता हूँ, तो मेरे को कन्विंस नहीं है, तो अगर कन्विंस हो जाएगी तो बेस्ट हो जाएगा, जैसे बाइक या गाड़ी। हाँ, तो आप हो सकता है कि आप रिक्शा जीत जाएं यहाँ से, आप चला लेंगे? रश का तो नहीं ना सर, रश का की तो नहीं, 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 क्यों नहीं भाई, रश का क्यों नहीं, कन्विंस है रश का, क्यों नहीं रक्षा, क्यों नहीं भाई, रश का का ऑफ है, मतलब नहीं यार, आप रश्के में बैठेंगे और आप जब, नहीं नहीं आप बात सुने, आप रश्के में बैठेंगे, आजकल बॉलीवुड में पता है आपको कितना मशहूर है रश का, हर दूसरा बंदा ये कह रहा था मेरे रश के कमर, इतना मशहूर है रश का, और आप कह रहे हैं रश का नहीं चाहिए। इस चीज को समझे, यहाँ पे इंटर्न अपनी गाड़ी में आते हैं और जो शिफ्ट मैनेजर जो है वो रश के में आएंगे, तो मतलब थोड़ा ऑफ है। ओ, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो तो डॉक्टर की जरूरत है? नहीं नहीं, तुम एहसास से कमतरी में मुब्तला हो रहे हो मेरे दोस्त। नॉर्मल सी बात है सर, नॉर्मल सी बात है, एहसास से कमतरी में जा रहे हो शाहरुख साहब, रिक्शा चलाने में बुराई क्या है? आपने इतनी हिकारत से क्यों कहा भाई रिक्शे को? हिकारत की बात नहीं, एक जरा सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है, सोसाइटी के हिसाब से क्यों चलना होता है भाई? आप, मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के शिकार हो, आपको कॉम्प्लेक्स हो गया है, सलमान की फिल्म उल्टी हुई है, आपकी नहीं हो रही है, आपको कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल आप होल्ड पर रहे हमारे साथ, देखते हैं शायद आपको बंपर प्राइज़ मिल जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा भी जाता है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो रिक्शे वाला। मेरे पास तो दुपट्टा होता नहीं है। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं रिक्शे वाले की बात कर रहा हूँ, उसने लगाए होते हैं दुपट्टे, वो उड़ते हैं जब रिक्शा चलता है। दूसरे कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए मतीरा फहीम भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा आप हैं और कहां से बात कर रहे हैं? मैं अमार बात कर रहा हूं कराची से। अमार बात कर रहे हैं कराची से, वेरी गुड वेरी गुड। अमार साहब क्या करते हैं कराची में, आप पढ़ते हैं? मैं तो अभी फिलहाल स्टडीज कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है बैचलर कर रहा हूँ। वो बड़ी मुश्किल चीज कर रहा है भाई, मुझसे किसी ने पूछा ना कितना पढ़े हुए, मेरे साथ एक बार हुआ, मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था, नहीं ये अपने सदर आरिफ अलवी जो है ये नहीं दूसरे, एक डेंटिस्ट के पास गया था, ये भी डेंटिस्ट है बहरहाल, जिसके पास मैं गया तो मैं बाहर मैगजीन पढ़ रहा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ऐसी जनरल कन्वर्सेशन हो रही थी, मैंने कहा ये अभी चौथा पेज पढ़ा है, अब मैं भी ये इससे आगे मैं नहीं पढ़ सका। आपने बहुत ही कोई मुश्किल चीज बता दी है, मेरी समझ में नहीं आई है, लेकिन हाँ आपको पढ़ी लिखी शख्सियत है। पर बताएं क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख के? मुझे मास्टर्स करना है आईआर में, यूके जाके, और आईआर में आपको मास्टर्स करना है इंटरनेशनल रिलेशन भी, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में इन्हें मास्टर करना है, वो भी बाहर जाके, यानी ये आदमियों की हिना रबानी खर बनना चाहते हैं। सही है जी, सही है, बिल्कुल। आपको पता है हमने क्यों कॉल किया है? शायद कोई इनाम वगैरह निकला होगा, अगर मैं आपको बोलूं आपको मिली है एक स्त्री तो आपको कैसे लगेगा? मिल जाएगी तो भी ठीक ही लगेगा, वैसे कपड़े इस्त्री करने तो आते ही नहीं है, तो मेरे कोई खास फायदे में चीज नहीं होगा। क्या आप जरा ठहर ठहर के बोलेंगे? मेरे ख्याल में आप ऐसे पढ़ लें जैसे टीचर को वो नहीं सुनाया लेसन, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मिस्टेक, मतलब नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्त्री भी मिल जाएगी तो भी मुझे कोई खास मसला नहीं है। अच्छा, कोई खास मसला नहीं है, चलें ठीक है, फिर आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। हमारे साहब इनका दिल बड़ा है, आपका दिल बड़ा है, पहले वाले कॉलर जो थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स के शिकार थे बेचारे, तो आप अच्छा। आप हमारे साथ लाइन पे रहे, आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, देखते हैं आपका इनाम निकलता है नहीं, ठीक है? तीसरे कॉलर, ये बड़े आज बड़े पिछली दफा बड़े अजीब कॉल्स आए थे, वी ऑल वांटेड एवरीवन टू विन, एंड आज ऐसा लग रहा है हम चाहते हैं कोई भी ना जीते, ऐसा लग रहा है हमें दे दो यार, कोई भी ना जीते, मतलब ठीक है चले, अब किसी ना किसी को तो जीतना ही है, लेकिन उनकी ख्वाहिशात सुन सुन के बड़ी हैरत हो रही है। बहरहाल हमारे तीसरी कॉल, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कौन सा बात कर रहे हैं और बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मैं हमजा बात कर रहा हूँ, सियालकोट से सर। हमजा साहब सियालकोट से बात कर रहे हैं, हमजा साहब हैं सियालकोट। जी सर, माशाल्लाह वेरी गुड सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके शहर में बड़ी जबरदस्त फुटबॉल बनती है भाई, हमने सुना है। इसको हर नहीं नहीं सर, कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं है ना, हमारे यहाँ फुटबॉल प्लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी फुटबॉल टीम जो है वो जापान में एक मरतबा जाके वापस नहीं आई थी, इसलिए
सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही सर। तो आप एक काम करें, हमारा चैनल लगा लें, उसके ऊपर आप हमारी शक्ल और आवाज दोनों एक साथ देख सकते हैं। आप कहाँ हैं अभी, क्या काम करते हैं? सर मैं अपने घर में बैठा हूँ। नहीं काम क्या करते हैं? हम भी अपने घर में ही बैठते हैं भाई, हम थोड़ी कोई पड़ोसी यहाँ से बरामद होते हैं। ये बड़ी एक अजीब चीज है। ये बताइए आप करते क्या हैं? सर मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं बताइए। हेलो हेलो हेलो, क्या पढ़ते हैं? सर आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर मेरे को। डाइजेस्ट पढ़ते हैं आप, कोई मैगजीन, कोई रिसाला, क्या पढ़ते हैं? हेलो आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, बोले। हाँ जी जी, तो बताइए okay. क्या पढ़ते हैं? हेलो, मुझे लग रहा है हाँ हमजा साहब, मेरे ख्याल में आपके पास कोई प्रॉब्लम है सिग्नल की। ऑनलाइन और फिर बाद में हम करेंगे। आप एक काम करें, आप छत पे आ जाएं, जब तक हम दोबारा कॉल मिलाते हैं आपको, ठीक है? छत पे आ जाएं। किसकी छत पर? अपने घर पे हैं तो अपनी छत पे आएंगे, ठीक है जी? चलें, इनको होल्ड पर ही रहता है तो। ये हमारे तीन विनर जो हैं वो हमारे पास शॉर्टलिस्टेड विनर जो आज आ गए, मुझे हंसी आ रही है तीनों में। हाँ बिल्कुल, ये मतलब इन्होंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया बेचारे ने, ये मेरे ख्याल में लाइन में अटक गए, ना आवाज नहीं आ रही थी, बहरहाल पाइपों में फंसे। इन्हें इंतजार करवाते हैं, तब तक के लिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो अच्छा है, दोबारा लाइन देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज क्लियर है? जी जी सर अब क्लियर है बिल्कुल। नहीं तो और बता दो, मैं पीछे चला जाऊं भाई। नहीं नहीं सर, बहुत माजरा सर, वो सर नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम है सर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, मुझे बताएं क्या करते हैं? सर मैं पढ़ता हूँ और इंटर कर रहा हूँ सर। ओके, और ख्वाहिश क्या है जिंदगी में? सर ख्वाहिश तो ये है कि मुझे जॉब की बहुत जरूरत है ना, मैं जॉब बहुत जरूरतमंद हूँ जॉब के लिए। ओके जॉब चाहिए। यार अभी इंटर में पढ़ रहे हो भाई, मतलब थोड़ी सी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर। सर मैं प्रॉब्लम ये है कि घर में सिर्फ मैं ही करने वाला हूँ, तो इसलिए जॉब भी लाजमी करनी है पार्ट टाइम और पढ़ाई भी है। थोड़ी सी तकलीफ है तो मेरे दोस्त उठानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो क्योंकि अगर आप पढ़ाई को छोड़ करके सिर्फ काम पे लग जाओगे तो पढ़ाई को आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो आप 50-50 कर सकते हैं, 90% वेस्टर्न सोसाइटी इसी तरह चलती है, ऐसा ही होता है दिन में वो लोग पढ़ाई। सर मैं कुछ बनने के लिए सर कुछ होना ही पड़ता है, तो मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता हूँ। आपको इनाम नहीं जीतते हमजा साहब यहाँ से, तो मेरा आपको मशवरा यही है भाई कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, भले थोड़ा हाथ खींच के जो है वो गुजारा करना पड़े घर में। सर अगर आप पढ़ाई कंप्लीट तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन कर लें। जी जी सर बिल्कुल, मैं मेरा एम भी लाइफ का यही है सर, लेकिन अगर आपकी तरफ से मुझे कोई अच्छा इनाम मिलता है तो भी मुझे बहुत हेल्प होगी सर। देखिए जी नसीब की बात है, हम तो पहिया घुमाएंगे किस्मत का, अगर आपकी किस्मत खुली तो आपका इनाम। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, अभी होल्ड कीजिए, थैंक यू, फिर आपको बताते हैं। थैंक यू। ओके दिखाओ हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दे दो इलेक्ट्रॉनिक विनर्स बन जाओ, सुबह बन जाना। बिजली का आइटम ले लो, बिजली। ये पांच वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें मुबारक हो, मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। ये पांच खुशी का सामान ही, खुशी का बोल है, मैंने कितनी बार बताया। हाँ ये वो पांच लकी विनर्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिले हैं। आइए व्हील ऑफ विजडम की जानिब बढ़ते हैं। एक मोबाइल फोन है इसमें, एक ज्वेलरी सेट है, हमारे भी मोबाइल फोन है इसमें, हमारा मोबाइल फोन भी इसी में है। लाइए जी घुमाइए पहिया और देखते हैं कि आज कौन जीत रहा है और क्या जीत रहा है। ओके रुक जाओ रुक जाओ, कौन सा नंबर आने वाला है? ये किस तरीके से मैंने घुमाया, घूम ही रहा है, आप घुमाती ऐसे क्या करें? मैं कैसे घुमाती कि बंदा घूमता रहता है? नंबर 3 मोबाइल फोन, एक और दफा, बिल्कुल एक और दफा, मोबाइल फोन 124548632। ये हमारे मोबाइल विनर हैं, एक मरतबा और आपको इस पहिए को घुमाना है। मुझे बता देते यार, मैंने आपको पहले ही कहा था दीदी कि एक इसमें से मोबाइल निकालना है और एक ज्वेलरी सेट। कभी मुझे भी गिफ्ट कर दिया करो, मेरे बर्थडे महीना है यार। भाई इनके बर्थडे का महीना है, इनको रोज एक कप चाय पिलाई जाए। कितने मीनो यार, ये क्यों नहीं रुकता? रुकेगा नहीं रुक रहा, हौसला नहीं रुक रुका भी थ्री पे ही है, वाह शाबाश, दोबारा घुमा रहे। स्लो से घुमा दीजिए, आप भी इसे इतना शिद्दत के साथ घुमा रही है। मैं दिल से घुमाती हूँ वरना नहीं घुमाती, अंदाजा है जी, अंदाजा, पुरानी आदतें। दोबारा घुमाएं, आज मुझे लग रहा है तीन हमारे नंबर है यार, वो लाइट का शेडो था यहाँ से मुझे नंबर 2 नजर आया। जब आप यूं देखते हैं ना तब पता चलता है, रुक जाओ, कैमरे की आंख आपको देख रही है यार, ये क्यों नहीं रुक रहा, इट्स टेकिंग एजेस।
नंबर टू, नंबर टू, फाइनली नंबर टू पे ज्वेलरी सेट निकल रहा है और ये है 126-9677-421. ये हमारे ज्वेलरी विनर भी आ गए और मोबाइल विनर भी आ गए. और हम इन्हें कॉल करेंगे. हम इन्हें कॉल जब तक मिला रहे हैं तब तक क्यों ना डाइस के ऊपर कुछ गेम हो जाए. ओके नंबर वन, इसमें भी दो मोबाइल फोन्स और दो ज्वेलरी सेट है. जल्दी से घुमाओ. नंबर वन, ये मैंने कोशिश किया था इसको घुमा. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वेगास, यू आर गोइंग टू वेगास. वी आर गोइंग टू वेगास. नंबर वन, ये लग रहा होगा वी आर गेटिंग अ छुट्टी. नंबर वन यार, वैसे हमारे ऑफिस के लोग भी हमें भेज सकते हैं वेगास जुली सेट हॉलिडे. 126 है, ऑफिस के लोग भी हमें छुट्टी पर भेज सकते हैं वेगास. दिल के खुश रखने को मथीरा ये ख्याल अच्छा है, पर हमको मालूम है ऑफिस की हकीकत. लेकिन 126-9942-111 ये एक ज्वेलरी सेट गया है. बहुत बहुत मुबारक हो. चलिए नंबर टू. मैं घुमा. प्लीज 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 डू दैट. कि मैं ना घूम जाऊं. आई जाओ बेटे, से कुरंगी ढाई नंबर से वापस लेके आओ. नंबर टू, नंबर टू, ओके नंबर टू, नंबर टू इट इज. ओह गॉड, वी आर कमिंग. नंबर टू पे देखते हैं एक अदद मोबाइल फोन. वाह भाई, एक मोबाइल फोन और निकला है और इसका नंबर इसे रख दिया आपने, ठीक से प्लेस कर दिया. थैंक यू. 126-588-8481 मुबारक हो आपको. 126-588-8481 एक कॉल लेते हैं. हेलो सलाम अलैकुम. मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन, सॉरी. सर की क्या हाल है आपका? खैरियत से ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी. कहाँ से बात कर रहे हैं भाईजान, और नाम क्या है आपका? जी मैं पिशावर हयातबाद से बात कर रहा हूँ. पिशावर में पिशावर साथ का बात, एयरपोर्ट सिटी की तरफ. सिटी कहाँ? अच्छा अच्छा, नाम नाम नहीं बताया आपने भाई अपना. शेर अफरीदी. अफरीदी, सुहेल अफरीदी. शेर 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 अफरीदी. शेर अफरीदी, अरे वाह वाह, क्या बात है. आप वो शिंगम वाले शेर हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अफरीदियों वाले शेर हैं शायद. मैं पाकिस्तानी शेर हूं. पाकिस्तानी शेर हैं शायद, खान अफरीदी वाले शेर हैं भाई ये. बिल्कुल हमारे लाला आपके तो फेवरेट होंगे भाई. लाला क्यों नहीं, हमारे कौम के. बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हमारे कौम के और हमारे भी है ना जो कबीला सबके. ऑनेस्टली आपसे ज्यादा हम उन्हें प्यार करते हैं, इतने बेहतरीन खिलाड़ी, उनके लिए तालियां बजाएं. आप भी बजाएं. वेरी गुड, बजा दी. चले अच्छी बात है भाई. आपने बोल का कार्ड खरीदा था? जी जी का खरीदा था. कितने रुपए वाला? हजार वाला. हजार वाला, 12 चांसेस है अब आपके पास. एक चांस आपका जो है वो मुक गया है और उस चांस के अंदर आप जीते हैं एक अदर ज्वेलरी सेट. बहुत बहुत मुबारक हो शेर अफरीदी साहब. क्या करोगे इस ज्वेलरी सेट का? थैंक यू सो मच. जी क्या करोगे इस ज्वेलरी सेट का? मुझे तो इसकी जरूरत नहीं, अगर ये किसी और को मिल जाए, किसी अजीज फकीर बंदे को. नहीं बट आप नहीं, नहीं, वो तो आपको तो जरूरत नहीं है. आप किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा. आपकी मामा नहीं है, बहन नहीं है, घर में नहीं दे दीजिएगा किसी को, वालदा को, सिस्टर. बहनों को बहुत, बहनों को तो दे दिए, बहुत दे दिए. अरे भाई किसी को दे दीजिए, चौकीदार को, ड्राइवर को दे दीजिएगा. शेर साहब आपका जिसको दिल करे दे दीजिएगा, जीते आप हैं. ठीक है, सही है, सही है, सही है. चले जी, अपना ख्याल, अल्लाह आपको और कैसे मिलेगा है जी, ये आपको मिल जाएगा. मिलेगा, छोड़े ना, आपके पास तो बहुत है, जैसे भी मिलना होगा मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं. नहीं नहीं, थोड़े दिन बाद मैं चौकीदार है ना, उनको दे दूंगा ना. हाँ मिल जाएगा, फिक्र नहीं, आपको तो बहुत है अपने पास से. देते जब आए तो रिप्लेस कर दीजिए. ज्वेलरी सेट चौकीदार को क्यों देंगे आप? मर्जी भाई उनकी, उनका सेट है, वो जीते जिसे देना है दे दे. एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो, एक और घुमाना होगा. डाइस है हमारे पास, आप घुमा लो, मेरा कंधा निकल गया था इसको घुमाते घुमाते. मैं घुमाता हूं, नंबर आप बताइएंगी. ओके नंबर थ्री, नंबर थ्री. अब हम जाते हैं नंबर थ्री, नंबर थ्री. ये क्या हुआ? नंबर दो खुल चुका है. ये रिपीटेटिव बहुत हो रहा है. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हुआ. नंबर सिक्स, नंबर सिक्स. Woohoo! नंबर सिक्स पे देखते हैं. नंबर छह बहुत अच्छा नंबर है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू गाइस अबाउट द बंपर प्राइस. सेट है ये और इसके विनर हैं 126-998-5330. 126-998-5330. ओके मुबारक हो, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. क्या कोई कॉलर हमारे साथ हैं या क्या? चले आ जाइए, एक और कुरानदाजी होगी. अभी हमारे पास कॉलर जो है वो लाइन पे नहीं है.
ओके मुझे 3, 4, 5 क्यों क्या हुआ? ओके नो प्रॉब्लम. ओके कोई बात हो जाता है, होता है ऐसे होता भी किसी है, को ऐसे ही ऐसा होता है ऐसे ऐसे कामों में. नंबर 3 ओ माय गॉड मतलब इमेजिन करो अगर हम ये आ गया है ये कदम मोबाइल फोन ये भी गया. ये है मोबाइल नंबर ए का नहीं ई 1 2 4 5 6 8 8 6 6 7 ई क्यों नहीं बोल रहे? मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं मेरा हाथ दूँ मैं नहीं बोल रहा. 1 2 4 5 6 8 8 6 6 7 ओके 5 मोबाइल्स हम देंगे. ये आ गए हैं आपके 3 मोबाइल फोन्स यहाँ चले गए और बकाया 5 ये ब्लूमबर्ग पे आप देख सकते हैं. अपने नंबर्स खुद मैच कर लीजिए, मोबाइल आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. आप लोग तस्वीर भी ले ले, मेरी भी पिक्चर ले ले. आपकी पिक्चर तो गूगल करके आ जाती है ना, वो वाली ज्यादा सही रहती है. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अब क्या कर रहे हैं हम? अब नंबर जो है वो मेरे पास आने लगे हैं. पर्चिया लाओ, पर्चिया, पर्ची वाले, अभी नंबर आ जाते हैं. पर्ची बाबा नंबर लेके आ रहे हैं. पर्ची देखा, बूम बूम, जैकेट चेंज कर ले यार, वो बेल्ट बंद. बूम बूम, हां चले. क्या बात है, जैकेट एक, ओए हाय, ये दो, आज आप घुमाएं, ये 3 आज आप घुमाएं. चलिए मैं घुमा देता हूं, नो प्रॉब्लम. ओके फहीम भाई घुमाएंगे जी. चले मैं घुमा देता हूं, बताइए नंबर, बताइए. ये है वो कोई भी नंबर निकलेगा वो आपको बेचैनी से बंद करो ना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो. मैंने तो नंबर पढ़ना है, आंखें बंद करो तो नंबर कैसे देखूंगा? रुकेगा, मैं बोलूंगी ना. अच्छा चले बोले, मैं इधर देख लेता हूँ, आप बोले. अभी तक रुका नहीं है, नहीं रुका है ना, तो नंबर 2 नंबर 2 और देखते हैं जी कौन है वो ग्रैंड प्राइज किसको मिला है. बिकॉज दो कॉल्स हमारी बहुत फनी थी, एक मुझे थोड़ा लगा बट I just am laughing. आज मथीरा आपको याद है कि किन किन लोगों ने क्या क्या ख्वाहिशात बताई? जी एक को तो रिक्शा नहीं चाहिए, हाँ, उसे तो गाड़ी. दूसरे को आउट ऑफ कंट्री स्टडी करना है, हाँ. और एक बच्चा जो मुझे जॉब चाहिए, मतलब ही हैज फाइनेंशियल इश्यूज इनडायरेक्टली. चलें देखते हैं कौन जीत रहा है आज, दिल थाम के बैठिएगा. तीनों हजार द विनर इज 1 5 3 3 4 6 7 4 5 8 का मुंह देखो. It is a bumper prize. अब मुझे ये बताइए मेरी टीम की ये कौन साहब हैं? इससे पहले क्या आप इनकी लाइन जो है वो हमसे कनेक्ट करें. अच्छा अभी आप इनकी लाइन हमें कनेक्ट मत कीजिएगा प्लीज. मथीरा ये वो शाहरुख साहब जीते हैं हमारा बंपर प्राइज, जिन्हें ऑटो नहीं चाहिए था, रिक्शा नहीं चाहिए था. चले अब ये बंदा, मुझे सिर्फ एक बात का डर है, कहीं ये बंदा शोधेबाजी के अंदर जो है वो अपना नुकसान ना कर बैठे. आइए इनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब. अस्सलामुअलैकुम फहीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप करिए. मैं माफी चाहूंगा आपको इतनी देर तक होल्ड करवाया. कोई बात नहीं, कोई बात सर. मैंने जैसा कि आपको बताया है कि लालच बुरी बला है, आपको इतना लालच नहीं करना चाहिए था. बेशक आप जीतने वाले थे, बिल्कुल जीतने वाले थे. इतने करीब है, इतना सा मार्जिन होगा, आप समझ लीजिए कि मैं कहूंगा उसको 0.001% का मार्जिन होगा, जिससे आप आज का बंपर प्राइस जीत गए, जो कि 800 सीसी कार है. बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब. अब आपने एक वादा करना है हमसे भाई, शोधेबाजी में नहीं पड़ना है, आपने जो है ना शो ऑफ नहीं बनना है गाड़ी लेके, जो अपने इंटर्न्स को आप दिखा रहे थे ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. और हमारे लिए आप ये गाड़ी इस्तेमाल करने से पहले जो है वो एक दो मरतबा रिक्शे में सफर कर लीजिए, गाड़ी भी दिखा दे थोड़ा बहुत. हाँ ये गाड़ी काफी अर्से यहाँ खड़ी थी, हमने कहा देख देते. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 800 सीसी कार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. शाहरुख की जीरो चले या ना चले लेकिन 800 सीसी चलेगी, अपना ख्याल रखिएगा. वैसे ही आप इस्लामाबाद में, आपको पता है वहाँ तो गाड़ियाँ ऐसे ही उड़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता. बिल्कुल, और यहाँ ख्याल रखने वाले बहुत होते हैं. आपको पता है पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद. पी आइए, क्या होता है पाकिस्तान में पी कैपिटल है. चले बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. जीत गए रिक्शा, और रिक्शा वाले जरा देख के चलना. वैसे हमें रिक्शा भी देना चाहिए, ठीक है जी. मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं आगे और भी बहुत से बंपर प्राइजेस हैं, लेकिन आज का वक्त यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू फहीम, अल्लाह थैंक यू मथीरा, थैंक यू आप सब लोगों का देखने के लिए इस प्रोग्राम. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि गेम शो ऐसे चलेगा.